हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट इन माय चैनल एसेंशन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और अपने ऊपर बहुत सेल्फ फोकस्ड हैं, अपने ऊपर ध्यान किए हुए हैं, डिवाइन पे सरेंडर किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है अगर ये सब चीज़ आप कर रहे हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है, क्यों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हर्ट करते हैं। व्हाई ट्विन फ्लेम्स हर्ट ईच अदर। आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अब तक तो बहुत कुछ सुन समझ लिया होगा और साथ ही ये भी जान गए हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज स्मूथ सेलिंग। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और इससे दोनों ही हर्ट होते हैं। ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी के अर्लियर स्टेज में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है कि आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं और ये हर्ट ज़रूरी भी है। एक दूसरे को देना, एक दूसरे को हर्ट करना, और आप सब इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके होंगे। आज की वीडियो में यही बताऊंगी कि हर्ट एक दूसरे को क्यों करते हैं और ऐसा होता इसलिए है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम आपके ही सोल का एक पार्ट है, स्प्लिटेड पार्ट। सोलमेट रिलेशनशिप में आप कभी कभी हर्ट हो सकते हैं। क्यों? सोलमेट आपके सोल का पार्ट नहीं होता बल्कि लाइक सोल होते हैं। आप इसे बहुत सोलमेट रिलेशनशिप को ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझने लगते हैं। यस, दोनों ही लगभग सेम हैं पर दोनों में थिन लाइन डिफरेंस भी होता है। सो इट्स कॉमन टू मिस्टेक योर सोलमेट एज योर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम्स हर्ट ईच अदर मोर ऑफन देन यू रियलाइज। तो चलिए जानते हैं कि जिस रिश्ते में इतना प्यार, इतनी केयर, इतना अपनापन हो, उसमें हर्ट की चांसेस कैसे और क्यों बनती है। मैं आपके साथ चार पॉइंट्स शेयर करूंगी जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि आप एक दूसरे को जाने या अनजाने में क्यों हर्ट करते हैं या क्यों एक दूसरे से हर्ट होते रहते हैं। रीज़न नंबर वन, आप जो सोचते हैं ठीक वैसा ही आपकी ट्विन भी सोचते हैं। जो कुछ आपके माइंड में चलता है उन सबको सब आपके ट्विन को सब सुनाई देता है और सब समझ रहे होते हैं। वो आपका गुस्सा, आपकी चिंता, डर, खुशी, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी फीलिंग्स वो उतने ही इंटेंसिटी से कैच करते हैं जितनी इंटेंसिटी से आप इन सारी इमोशंस को फील कर रहे होते हैं। आपने इधर गुस्सा किया कि आपके ट्विन फ्लेम को पता लग जाता है कि क्यों आप इतनी नाराज हैं। आपने इधर फ्रस्ट्रेशन दिखाया, उधर उनकी हायर सेल्फ को खबर हो जाती है कि आपको किस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन है। चाहे आप जितना भी हाइड करना चाहें पर आपके ट्विन सोल को वो सारी बातें पता चल जाती हैं जिनको आप उनसे छुपाना चाहते हो। और जैसे ही आपके ट्विन के हायर सेल्फ को पता लग जाता है कि आप इस वजह से टेंशन में हैं या ओवर इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी शैडो साइड्स में आता है, टेंशन, ओवर इमोशंस, एंगर, या किसी को लेके इतना फ्रस्ट्रेशन किसी बात पर, ये शैडो साइड्स हैं हम सबका, ये शैडो साइड्स में आता है। तो इसलिए आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते हैं और हर्ट करते हैं ताकि आप अपने शैडो साइड्स को जानकर उन पर वर्क कर सकें। और ठीक इसी तरह आप भी जान जाते हैं जब आपके ट्विन आपसे झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या आपसे कुछ हाइड कर रहे होते हैं। तो आप देखना, आप भी अनइंटेंशनली अपने ट्विन को हर्ट कर देंगे या कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे वो ट्रिगर हो जाएं। यू शुड नॉट टेक दिस अगेंस्ट योर ट्विन फ्लेम सिंस इट्स ऑल पार्ट ऑफ द डिफिनिटी ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। रीजन नंबर टू, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हर्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम्स का जब सेपरेशन स्टेज पास आता है तो वो एक दूसरे को हर्ट करते हैं, क्योंकि ये डिवाइनल जर्नी है तो यहाँ आपका मिलना और बिछड़ना अंडर द डिवाइनल प्लान होता है।
जैसे ही आप और आपके ट्विन फ्लेम का बबल फेज एंड हुआ, फिर चीजें धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारे लाइफ में बहुत से लोग आते हैं और अपना रोल प्ले करके एक टाइम के बाद चले जाते हैं। इट मे बी हार्ड टू एक्सेप्ट बट योर ट्विन फ्लेम हैज अ सेपरेट लाइफ बिफोर मीटिंग यू। यस, उनकी भी सेपरेट लाइफ रहती है इस अर्थ प्लेन पर ही। सेपरेट जिंदगी उनकी सेपरेट लाइफ होती है आपसे मिलने के पहले, और आपके साथ भी तो ऐसा ही है ना। आपकी भी तो एक सेपरेट दुनिया थी, सेपरेट लाइफ थी। हो सकता है आप अनमैरिड थे तो दुनिया आपकी सेपरेट थी, हो सकता है आप मैरिड थे किसी और स्पाउस से तो भी आपकी लाइफ सेपरेट थी। तो जब आप दोनों या दोनों में से कोई एक ट्विन अपनी लाइफ के प्रेजेंट सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तब भी ट्विन फ्लेम एक दूसरे को हर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ट्विन किसी और से मैरिड हैं, उसके बाद वो ठीक है, वो हैप्पीली मैरिड हो या सेटिस्फैक्ट्री मैरिड हो, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते उस प्रेजेंट सिचुएशन से। या आपकी हायर सेल्फ, आप भी किसी से मैरिड हैं, वो चाहे सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ हो या हैप्पीली मैरिड लाइफ हो, आप भी आपकी हायर सेल्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती अपने शादीशुदा जिंदगी में। तो ऐसे में एक दूसरे को आप लोग हर्ट करते हैं। इन वो अनइंटेंशनली वो हर्ट होगा, वो आपके हायर सोल ऐसी कुछ बातें आप लोग कर देंगे जिससे आपके ट्विन फ्लेम हर्ट हो जाते हैं, या वो आपको ऐसा कुछ बातें कह देंगे जिससे आप हर्ट हो जाएं। और ये सभी अनइंटेंशनली होता है। यू अनइंटेंशनली हर्ट देम और दे अनइंटेंशनली हर्ट यू व्हेन यू और दे गो सेपरेट वेज। और तब जब आप या आपके ट्विन इस इंटेंस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, और अगर आप में से कोई एक मैरिड हो या डिवोर्स हो, डिवोर्सी हो या गोइंग थ्रू डिवोर्स प्रोसेस, या कुछ ऐसा जो आपके ट्विन फ्लेम को अनकॉमन लगे, जैसे एक्सट्रीम एज गैप, 10, 12, 15 या उससे भी ज़्यादा, ये एक्सट्रीम एज गैप या स्टेटस इशू, ऐसा अगर लगे तो ऐसे में भी वो आपको कुछ ऐसी बातों से अनइंटेंशनली हर्ट करते रहते हैं। तो ये हो गया सेकेंड रीजन। अब थर्ड रीजन के बारे को डिस्कस करेंगे। थर्ड रीजन ये है, ट्विन फ्लेम हर्ट करते हैं एक दूसरे को, दे विल फाइंड देयर वे बैक टू यू। ताकि आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकें, थर्ड रीजन इज ताकि आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकें। जैसा पहले भी बहुत से वीडियोस में बताया जा चुका है कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको इनकरेज करती है कि आप अपनी ही एक बेस्ट वर्जन बने। आप अपनी ही, आपको किसी और को बदलना नहीं है, आपको खुद को बेटर बनाना है, आपको खुद को चेंज करना है, आपको खुद में चेंजिंग, गुड चेंजिंग लानी है। और ये काम इतना इजी नहीं होता। न जाने कितने सालों से जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसे रिवायरिंग करना, या अगर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या एडोलेसेंट ट्रॉमा है उसे हील करना, और ये सब आप दोनों ही जानबूझकर नहीं करते। जब आप दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनके पुराने जख्मों को बाहर लाकर रख देते हैं, एंड एज वेल एज दे वॉन्ट यू टू फेस योर डीमन साइड, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट हिम टू फेस हिज डीमन साइड, जो कि आप या वो, आपके ट्विन कभी भी नहीं चाहते फेस करना। हम अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को कभी भी फेस नहीं करना चाहेंगे, उसको ढक के रखना चाहते हैं। दीज आर आवर डीमन साइड, उसे फेस करना होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसको जान ले, आप और आपके ट्विन दोनों ही एक दूसरे के लिए ये चाहते हैं कि जो भी कुछ ऐसी शैडो साइड्स हैं आप में और उनमें, उनको देखें और उनको रिमूव करें।
You both need to be vulnerable and honest versions of each other. और अगर आप और आपकी ट्विन या दोनों में से कोई एक भी इस कनेक्शन से डर जाए तो ऐसे में वो एक दूसरे को हर्ट करते हैं और फिर आपके ट्विन बनते हैं रनर, क्योंकि उनको इस कनेक्शन की इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं होती और आप बनते हैं चेजर. इट्स अ फार मोर पावरफुल देन एनी रिलेशनशिप यू हैव एवर एक्सपीरियंस बिफोर. रीजन नंबर 4, ट्विन फ्लेम एक दूसरे को क्यों हर्ट करते हैं. इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना नर्चरिंग, इतना सोल कनेक्टिविटी, इतना सोल ड्रॉन, फिर एक दूसरे को हर्ट क्यों. वो इसलिए भी हर्ट करते हैं क्योंकि आप दोनों ही जो सोच रहे होते हैं ठीक उससे उल्टा होता है. दे आर नॉट एज यू एक्सपेक्टेड एंड वाइस वर्सा. आपने सोचा कि वो आप को क्वीन जैसा ट्रीट करेंगे या ये एक फेरी टेल जैसी लव स्टोरी हो. अब जब मिलते हैं बबल फेज होता है तो आपको आपके बैक ऑफ द माइंड ये आता है कि ये एक फेरी टेल जैसा लव स्टोरी हो, या आपको हो सकता है लगता था कि चलो अब प्यार हुआ, अब दोनों मिलकर शादी करके घर बसा लेते हैं, फिर मजे से रहेंगे. बस जहां ये बात आपने सोची कि मजे से रहेंगे, बस वही डिवाइन आकर अपनी छड़ी घुमाकर चले जाते हैं. बेटे ऐसे कैसे मजे कर लेंगे आप. अरे मैं हूं, मुझे भूल गए बेटे. ट्विन फ्लेम के साथ मर्ज होने से पहले आपको डिवाइन के साथ मर्ज होना पड़ेगा. यहां पे गॉड खेल खेल कर चले जाते हैं. दिस इज द डेस्टिनेशन टू डिवाइन जर्नी. हमेशा याद रखिए डी टू डी, डेस्टिनेशन टू डिवाइन. दिस इज कॉल्ड होली ट्रिनिटी. जहां आप डिवाइन, जहां आपकी सोल डिवाइन और आपके ट्विन की सोल एक हो जाए, दिस कॉल्ड होली ट्रिनिटी. जब तक आप ये तीनों अचीव नहीं कर लेते तब तक आप अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट नहीं हो पाएंगे. इसलिए थोड़ा ईश्वर को भी बटरिंग कीजिए ना, ईश्वर को मस्का वगैरह लगाइए, क्योंकि ये जर्नी उन्होंने दी है. सेपरेशन, या अगर आप अभी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ पाए हैं या आप अपने ट्विन के साथ रीयूनियन में नहीं आ पाए हैं, तो मस्का लगाइए, बटरिंग कीजिए ईश्वर को और चेस करना बंद कर कीजिए. अपनी सारी एनर्जी गॉड पर लगा डालिए, गॉड पर लगा डालिए. यहाँ आपको समझना होगा कि अभी आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रेडी नहीं हैं. अब आपका रोल यहाँ पर खुद पर फोकस करना होना चाहिए. सिंस यू फील व्हाट द अदर फील्स, टू हेल्प देम स्टॉप बिल्डिंग अ वॉल अराउंड यू. आपको आपके ट्विन फ्लेम के नजरिए से सोचना होगा कि क्यों वो रन कर रहे हैं, क्यों आपको हर्ट कर रहे हैं, तभी आपको वो मिरर कर पाएंगे, वेदर इट इज पर्सनल इशू या कुछ और वजह हो रन करने का या आपको हर्ट करने का. ऐसे भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोग सेशन में बताते हैं कि रन तो नहीं करते लेकिन कोई कमिटमेंट भी नहीं है, बस ऐसे ही 2-4 साल से सिर्फ ऐसे ही चला जा रहा है वो रिश्ता. ना आप इधर का हो सोच पा रहे, ना आप मूव ऑन तो कर ही नहीं सकते इस कनेक्शन से, ना आपके ट्विन फ्लेम आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं. तो ऐसा मैं खासकर उन लोगों के लिए कह रही हूं जो अभी भी बैचलर और मैरिड हैं, सॉरी अनमैरिड हैं और बैचलर हैं उनके ट्विन, और वो भी जो अनमैरिड हैं, क्योंकि दे आर लिटरली वेटिंग. जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो आफ्टर मैरिड ट्विन फ्लेम जर्नी को पाया, और अगर इफ दे आर इन अ वेरी यू नो जॉयफुल हैप्पीली मैरिड लाइफ, तो उसके लिए उन लोगों के लिए सिर्फ ये एक डिवाइनल जर्नी ही होती है. हाँ, अपने ट्विन से रियूनियन होता है लेकिन वो आगे वाला जो फेज शादी वगैरह ये सब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये
सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो बिल्कुल नहीं होता। आप अपने प्रेजेंट हस्बैंड या प्रेजेंट वाइफ के साथ ही कंटिन्यू करते हैं विथ हैविंग अ वेरी जॉयफुल एंड हार्मोनियस रीयूनियन विथ योर ट्विन। लेकिन उनके केस की मैं अभी बात कर रही थी, जो जो लेडी या जो लड़कियां बच्चियां अनमैरिड हैं और जिनके ट्विन भी बैचलर हैं, तो ऐसे में शादी की गुंजाइश बनती है, 100% बनती है। और इसके लिए क्या होता है, वो लोग डिले होता रहता है ये स्टेज, ये आप लोग स्टक रह जाते हैं एक ही सिचुएशन में, एक ही फेज में। 2-4 साल हो गया अब तक, तो शादी करके घर बस जाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि अभी आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए रेडी नहीं हो। ऐसे में उम्र निकलती जाती है। बट यस, आप लोगों को ध्यान देना होगा, जब तक आप इसमें सिर्फ शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, हनीमून हो जाए, इसको लेके स्टक रहेंगे, आपकी डिले होती रहेगी जर्नी। आपको ये डिवाइन जर्नी है, इसमें शादी सेकेंडरी है, शादी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैरिज इज नॉट एसेंशियल की होगा ही इसमें। एक बात ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा, ये डिवाइन जर्नी है, इसमें आपको ईश्वर को पहले पाना है, डेस्टिनेशन टू डिवाइन सबसे पहला, ये सेंटेंस ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके हैं तो यस, डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड, क्योंकि मैरिज, जन्म, मृत्यु और शादी, ये तीन ऐसे इवेंट्स होते हैं जिंदगी के, हर एक की जिंदगी के लाइफ में, जो कि वो 100% सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाते हैं। आप कब जन्म लेंगे, आप इस धरती को कब अलविदा बोलेंगे और आप किससे शादी करेंगे, ये सारी चीज़ें सोल कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। हाँ, आज आप क्या डिनर करेंगे या कल आप क्या ब्रेकफास्ट लेंगे और कितने आपने ड्रेसेस खरीदेंगे, ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती, बट दीज थ्री आर मेजर इवेंट्स ऑफ द लाइफ। तो ये अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपका है, आपकी शादी कोई नहीं रोक सकता, तो थोड़ा मस्का वगैरह लगाइए डिवाइन को, उनको, ईश्वर को हाथ में रखिए, ईश्वर को जो मांगना हो ईश्वर से मांगिए, वही देने वाला है। हम लोग तो रास्ता दिखाते हैं, हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन देने वाला वो ईश्वर है। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही वो सोचते हैं, इसलिए वो अगर आप रन कर रहे हैं आपके ट्विन, या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या बार बार आप हर्ट हो रहे हैं उनसे, आप इन चीजों को उनके नजरिए से देखिएगा, उनके नजरिए से जब आप देखेंगे देन यू विल गेट टू नो। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के भी जल्द से जल्द रीयूनियन हो और आप लोग भी एक पेनफुल सिचुएशन जो होता है जब तक रीयूनियन ना हो, यस दिस जर्नी इज वेरी वेरी पेनफुल हो। मैंने भी जब अपने ट्विन से बात किया आफ्टर रीयूनियन, पूछा कि आप भागते क्यों थे, ये क्यों थे, तो उनको ये सिर्फ मेरी एक हैप्पीली मैरिड लाइफ है, वो खराब ना हो जाए, इसलिए वो मुझसे किनारा करते थे, भागते थे। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो है, कोई भी ट्विन एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेगा। तब मैं सोच नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ इस बात को आफ्टर गेटिंग रीयूनियन विथ माय ट्विन। आज मैं समझती हूँ इस बात को कि ही वॉज 100% करेक्ट। अगर उस जगह मैं भी होती तो बिल्कुल मैं भी डिस्टेंस मेंटेन करती। तो ये होता है अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल लव। तो ये 4 ऑथेंटिक एंड मोस्ट पावरफुल रीजंस हैं क्यों आप एक दूसरे से हर्ट होते हो, और ये हर्ट इस कनेक्शन में जरूरी भी है, तभी आप इस डिवाइन कनेक्शन को एक्सेप्ट, इस डिवाइन कनेक्शन को एक्सेप्ट करके अपनी हीलिंग करने के लिए स्टेप लेते हैं। और कोई कनेक्शन है ऐसा, कितने लोग आते हैं जाते हैं, आप सुधरने का नाम नहीं लेते सुधरने का नाम नहीं लेते, आपको लगता ही नहीं कि हाँ आप में कितने सारे फ्लॉज हैं, लेकिन ये एक शख्स आके आपको पूरी तरह से बदल के रख देता है और आप एकदम से झील की तरह शांत, सागर की तरह
गहरा प्यार, ये सब आपके दिल में हो जाता है। आप अपनी हीलिंग तभी शुरू करते हैं जब आप इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, इस कनेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं। और उधर आपके ट्विन, दे ऑल्सो रियलाइज दैट यू, दे कांट जस्ट रन, दे ऑल्सो रियलाइज दैट दे कांट जस्ट रन अवे फ्रॉम अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। दे कांट जस्ट रन अवे, दे कांट जस्ट अवॉइड, दे कांट जस्ट अवॉइड यू। तभी वो समझते हैं जब आप अपने को इवॉल्व कर लेते हैं, अपनी हीलिंग कर लेते हैं, तभी वो समझते हैं, तब जाके वो भी समझते हैं। हायर सेल्फ उनकी हमेशा समझती है कि इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते, लेकिन कमिटमेंट भी नहीं दे पाएंगे जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं कर लेते। और इधर आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट की, कंप्लीट की, उसके बाद वो भी आपके तरफ आते हैं, रियूनियन होता है, 100% रियूनियन होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो का टॉपिक कि ट्विन फ्लेम से एक दूसरे को हर्ट क्यों करते हैं। आप में भी आता होगा ना ये क्वेश्चन माइंड में, क्यों हर्ट करते हैं? एक वो इंसान जिसके लिए आप इतना सब कुछ करती हैं, इतना प्यार लुटाती हैं, एकदम पागलपन की हद तक जाकर सब कुछ करती हैं, लेकिन क्यों इतना हर्ट करते हैं वो? कोई और होता तो और छोड़ो, अब तो बात भी नहीं करना उससे, लेकिन इस रिलेशनशिप में ऐसा हो ही नहीं पाता। और आप मेरी बात का यकीन करें, जब आप रियूनियन हो जाएगा आपको आपके ट्विन के साथ, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, तब आप अपने ट्विन से जब सुनेंगे ना कि हाँ वो आपको जब हर्ट करते थे उनको कितना कितना तकलीफ होता था, इधर आप रोते थे उधर वो भी, तब आपको लगेगा कि हाँ हम सब ठीक कहते थे। तो ये चार मेजर रीजंस हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हर्ट क्यों करते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को और समझने की कोशिश कीजिए क्यों वो हर्ट करते हैं और क्यों आप भी हर्ट करते हैं अपने ट्विन को, वाइस वर्सा। आज के लिए इतना ही, अपनी ओर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप सब के लिए, जल्दी से जल्दी आप लोग रीयूनाइट हो, 2022 रीयूनियन का ही टाइम है और आगे भी रीयूनियन होंगे, जो जितना वर्क कर लिया है उस हिसाब से रीयूनियन होगा, होता है रीयूनियन। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।